गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये ECS का मदरबोर्ड है गाइस, ECS कंपनी का मदरबोर्ड है। इसमें चिपसेट लगा हुआ है, H61H2 का चिपसेट लगा हुआ है गाइस, ठीक है। दो DDR3 के स्लॉट है गाइस, ठीक है। तो गाइस आज हम इसे रिपेयर करने वाले हैं गाइस, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है पहले देख लीजिए गाइस, ठीक है। पावर लगाता हूँ, पावर लगा के देखिए गाइस, इसका फैन थोड़ी देर चल के रुक जा रहा है, फिर रुकेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा। तो गाइस इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो गाइस जैसे कि रिपेयर करता हूँ गाइस, तो इसमें यही प्रॉब्लम होता है। तो ये जो बायोस, ये जो H61 चिप होती है, इसका ही प्रॉब्लम हो सकता है गाइस, क्योंकि गाइस इसमें बायोस होता है, ये बायोस, ये रोम, इसे चलाने के लिए रोम ही लगता है गाइस, ठीक है। अगर रोम चिप में कोडिंग करप्ट हुई है तो ये चिप बंद कर देती है गाइस, क्योंकि इसका कंट्रोल यही होता है कि पूरा ऑन ऑफ करने के लिए, तो पूरे मॉस्फेट को सिग्नल देने के लिए ये चिप का कनेक्शन रहता है गाइस। तो गाइस ये चिप का काम रहता है गाइस इसे ऑन करने के लिए, तो मेन ये चिप है, तो इसे चलाने के लिए रोम चिप लगती है। तो गाइस सबसे पहले गाइस रिपेयर करने से पहले सबसे पहले रिफ्लैश करना चाहिए, तो बायोस फ्लैश करके देखेंगे, अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो इसका जो ऑन ऑफ का प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे जो छोटी आईसी होती है गाइस, यहाँ पे जो छोटी आईसी होती है इसका भी प्रॉब्लम हो सकता है गाइस। देखिए गाइस फ्लैश कैसे करते हैं, सबसे पहले गाइस प्लग ऑफ कर देंगे, ठीक है। देखिए गाइस वीडियो पूरा देखिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए गाइस, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। ठीक है गाइस सबसे पहले हमने फ्लैश निकाल चुके हैं, तो गाइस इस फ्लैश को हमें प्रोग्रामर में लगाने का, ये छोटा प्रोग्रामर है गाइस मेरे पास CH341A, तो गाइस ये प्रोग्रामर है, तो गाइस मैं इसमें प्रोग्रामर में प्रोग्राम करने भी प्रोग्राम करूंगा गाइस। तो गाइस देखिए गाइस यहाँ पे हमने SPI फ्लैश लगा चुके हैं प्रोग्रामर, तो गाइस इसमें है बायोस फाइल होते हैं, तो गाइस मैंने ऑनलाइन जो ECS मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करती है वहाँ से मैंने ये जो दो है 1.0 2.0, तो गाइस ये दो फाइल मैंने डाउनलोड किया है गाइस, ठीक है। तो गाइस मैं सबसे पहले गाइस ये 1.0 तो नहीं करने वाला हूँ, तो ये मदरबोर्ड में गाइस ये 2.0 में इंस्टॉल करने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस फ्लैश कंप्लीट हो चुका है गाइस, अभी से हम निकालेंगे, यहाँ पे डॉट है गाइस, एक मिनट, यहाँ पे डॉट है गाइस, ठीक है, यहाँ पे डॉट है, लगा देंगे। तो देखिए गाइस हमने इसमें फ्लैश लगाए हैं, ठीक है, ये फ्लैश लगा दिए, और ये जो स्पीकर है ये भी हम लगाए हैं, ठीक है, ये निकाल चुके हैं हमने। तो गाइस अब इसका बजर बजना चाहिए, क्योंकि गाइस हमने फ्लैश किया है, तो गाइस स्पीकर बजता है गाइस अगर रैम, अगर सिग्नल नहीं मिले, ठीक है। तो अभी चला के देखते हैं गाइस, ठीक है गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं फैन जो सबसे पहले जो चल रहा था तो थोड़ी थोड़ी देर को स्टार्ट ऑन ऑफ हो रहा था, फैन स्पिन हो रहा था, फिर बंद हो रहा था, स्पिन हो रहा था, बंद हो रहा था, तो अब गाइस कंटिन्यू चल रहा है पर बीप नहीं बज रहा है, सिग्नल नहीं ले रहा, मतलब ये रीड नहीं हो रही है गाइस, इसमें प्रॉब्लम है, मतलब बायोस में प्रॉब्लम है गाइस। तो हम क्या करेंगे, बायोस हम दूसरा लगाने वाले,
जो मेरे पास है। अभी हमें फिर से इसे निकालना है। तो गाइस इसे फिर से निकालना है बंद करके। फिर से वही रिफ्लैश के लिए। तो गाइस हम ये 1-2 ये जो ऑनलाइन डाउनलोड किए वो छोड़ के मेरे पास जो दूसरा है LGA 1155, तो गाइस ये फ्लैश करेंगे हम। हो चुका है गाइस, फ्लैश हो चुका है। अब गाइस तो गाइस फ्लैश कर चुके हैं गाइस, अब इसमें लगाने वाले गाइस। देखिए तो गाइस फ्लैश मेमोरी लग चुकी है, तो फ्लैश चिप लग चुकी है। अब गाइस हम इसे स्टार्ट करके देखने वाले गाइस प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या नहीं। पावर लगा दिया। देखिए गाइस बजर बज रहा है, मतलब ये चिप रीड हो रही है, फ्लैश रीड हो रही है और इन्हें आउटपुट भी दे रही है, मतलब सिग्नल बन रहा है। ठीक है, तो गाइस अब हम इसे रैम लगा के देखने वाले हैं। ऑफ कर देंगे। देखिए गाइस भी बंद हो चुका है। देखते हैं गाइस। ठीक है गाइस, इस तरीके से गाइस मदरबोर्ड बन चुका है। ठीक है गाइस, इस तरीके से गाइस मदरबोर्ड जो पहले जब प्रॉब्लम था अब ओके हो चुका है गाइस। ठीक है, मतलब गाइस इसका बायोस का प्रॉब्लम था गाइस। ठीक है, इसका बायोस का प्रॉब्लम था गाइस, तो बायोस हमने कर दिए गाइस। अगर इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आता है तो गाइस डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है गाइस, इस पे मेल कीजिए गाइस। आपको इस जो अभी वर्किंग कंडीशन में जो बायोस फाइल वो मिल जाएगी गाइस, अटैच करके हम उसे भेज देंगे गाइस। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से बना लिए गाइस। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। ठीक है, थैंक यू गाइस।